अस्सलामु अलैकुम। डेली गल्फ उर्दू में खुश आमदीद। दुबई में दुनिया का सबसे बड़ा तैरने वाला नाइट क्लब खुल गया। तफसीलात के मुताबिक दुबई में एक पुराने बहरी जहाज क्वीन एलिजाबेथ 2 पर दुनिया का सबसे बड़ा तैरने वाला नाइट क्लब खोला गया है। न्यूज़ के मुताबिक 1000 अफराद की गुंजाइश वाले लग्जरी फ्लोट वेन्यू पर जुमेरात को ओपनिंग पार्टी मुनक्किद की गई। उम्मीद की जा रही है कि इस वीकेंड पर अमरीकी अदाकारा लिंडसे लोहन, रैपर द बेबी और बरतानवी बॉक्सर आमिर खान इस क्लब में आएंगे। ताहम कोरोना वायरस की वजह से पार्टीज महदूद होंगी और पहले से टेबल के लिए बुक करवानी होगी। सिक्योरिटी गार्ड्स लोगों को खड़े होकर डांस करने से रोकेंगे और सादा कपड़ों में पुलिस गश्त करेगी। दुबई ने कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सख्त तरीन इकदाम किए थे और इस तरह के तफरीही मकामात पर पाबंदी अगस्त में खत्म की थी। क्वीन एलिजाबेथ 2 जहाज 2008 में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की निगरानी में दुबई की एक कंपनी डीपी वर्ल्ड ने तकरीबन 9.25 करोड़ डॉलर में खरीदा। साल 2018 में जहाज के कुछ हिस्सों में होटल खोला गया। ताहम कोरोना की वजह से क्लब के इफ्तिताह में ताखीर हुई। अब तक के लिए इतना ही। अगले बुलेटिन तक के लिए खुदा हाफिज़।